बंधुओ, भगवत प्रेमी सज्जनों, बाबा गोस्वामी जी ने देखा कि क्या ये वही है, चंदन भी लगाए हुए हैं। जब समझ लिया कि यही चंदन लगाए हुए हैं और अभी हाल का चंदन ये है, तो तुरंत जाकर उनके चरणों को पकड़ लिया, चरणों में गिर गए और निवेदन करने लगे। कहते हैं कि हे प्रभु, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रभु के दर्शन इसी चित्रकूट में हुए, तो कहने का तात्पर्य यह है कि कामद गिरि भय राम प्रसादा, प्रभु की ऐसी कृपा और प्रेमियों, आज प्रभु का ही प्रसाद कामता नाथ जी बांट रहे हैं, जो कि कामना नाथ में जाने से, चित्रकूट में जाने से होता क्या है, वहां पर भक्ति मिलती और उसी भक्ति का प्रसाद यहां बाबा तुलसीदास जी भी बांट रहे हैं। कैसे कि शंभु प्रसाद सुमत ही ये हुल से। प्रसाद सुमत ही हुलसी, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। तो बंधुओं, जिस तरह बाबा गोस्वामी जी यह राम भक्ति बांट रहे हैं, इसी प्रकार कामदा नाथ जी भी यह भक्ति बांट रहे हैं, राम भक्ति बांट रहे हैं। और जो राम की भक्ति को लेने के लिए जाता है, अरे आज तो हम आप जाते हैं परिक्रमा लगाने के लिए, लेकिन परिक्रमा का महत्व नहीं समझते। अरे जिन कामदा नाथ के चरणों में हम जाकर के और फिर विचार करें कि यहाँ धूल है, यहाँ ना बैठें, कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो भाई बड़ी समस्या बनेगी। एक बार बाबा तुलसी जी जा रहे थे परिक्रमा लगाने, इतने में वैसे जाति के तो ये मुस्लिम हैं, लेकिन उनका धर्म देखिए आप कितना सुंदर धर्म है। रहीम खान जी मिल गए। रहीम खान बोले, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? तुलसीदास जी कहने लगे कि हम तो परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। कहा रहीम
कहने लगे रहीम जी कि चलो हम भी साथ चलते हैं, क्योंकि रहीम खान को भी प्रभु से मतलब था। यह नहीं था कि राम की भक्ति नहीं करते, ये भी नहीं था कि राम की भक्ति उन्होंने की अथवा ना की, लेकिन चलने लगे दोनों, परिक्रमा लगाने के लिए चल दिए। तो देखते हैं कि रास्ते में एक राजा हाथी को दंड दे रहा है, यानी हाथी को मार रहा है। बाबा तुलसी ने पूछा कि हाथी को राजा इस स्थान पर खड़ा करके इतनी ताड़ना क्यों दे रहा है, इसे दंड दे रहा है, आखिर इस पर अपराध क्या हुआ है। तो रहीम खान कहने लगे यह राजा मंद बुद्धि का है, हो सकता है हाथी स्वभाव बस, क्योंकि हाथी जब चलता है तो आप लोग देखते होंगे, विचार कीजिए, आप देखते होंगे कि अपनी सूंड से धूल को उठा करके अपने शरीर पर डालता जाता है। रहीम खान जी कहने लगे कि राजा के कपड़े इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, इससे हो सकता है इस हाथी ने राजा के ऊपर धूल डाल दिया हो। तो राजा रुष्ट हो गए, इसलिए ताड़ना दे रहा है। तो बाबा तुलसी ने कहा कि रहीम जी आप यह भी बतलाइए कि हाथी ये धूल क्यों उड़ाता है और धूल उठा करके पृथ्वी से अपने शरीर पर क्यों डालता है। बाबा तुलसी ने प्रश्न किया तो रहीम कवि कहने लगे कि तुलसी धूल उड़ावत गज फिरत, धूल उड़ावत गज फिरत, कहूं रहीम के ही काज। रहीम जी ने कहा कि बाबा तुलसी इसलिए हो सकता है कि धूल उड़ाता है हमारी समझ से, इसलिए धूल उड़ाता है कि धूल उड़ावत गज फिरत, कहूं रहीम के ही काज। और जे रजते मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढत गजराज। अरे जिस रज से मुनि पत्नी अहिल्या तर गई हो, ये हाथी भी धूल खोज रहा है कि हो सकता है कहीं चित्रकूट की पावन पवित्र भूमि जहां भगवान श्री राम 12 वर्षों तक रहे, वो धूल मुझे मिल जाए और मेरे शरीर पर लग जाए तो मैं भी धन्य धन्य हो जाऊंगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, ऐसे चित्रकूट की धूल की महिमा। और हम आप गए जब तक कुछ बिछाने को नहीं मिलता, कुछ बैठने को नहीं मिलता, तो बैठते नहीं है, खड़े हो जाते हैं। अरे चित्रकूट की राम रज, अरे परिक्रमा की धूल, ए उड़ उड़ परत शरीर पर पाप हो ये सब दूर। क्योंकि धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे भाइयों, चित्रकूट ऐसा स्थान है आप कहीं नहीं जाएंगे, मन को एकाग्र करने वाला, मनोकामना पूर्ति करने वाला स्थान है। कुछ संतों का मत है, कुछ संत कहते हैं कि देखिए कैसा है, क्यों कि दुनिया में झूठ अनेकों हैं, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों है, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। संसार में अनेकों जटाधारी हैं, झूठ धारण किए हुए हैं, जटा झूठ वाले लाखों देखे होंगे आपने, लेकिन भगवान शिव कैसा जटा झूठ वाला कहीं मिला नहीं होगा आज तक। कि दुनिया में झूठ अनेकों हैं, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। और दुनिया में लूट अनेकों हैं, कोई संपत्ति लूट रहा है, कोई पैसा लूट रहा है, अरे लूट करते हैं लोग। दुनिया में लूट अनेकों है, पर राम नाम सम लूट नहीं। दुनिया में फूट
अनेकों हैं, पर भाई भाई सम फूट नहीं। उदाहरण है रावण और विभीषण, उस फूट का कारण यही हुआ कि रावण का संहार हुआ। दुनिया में फूट अनेकों हैं, पर भाई भाई सम फूट नहीं। और दुनिया में कूट अनेकों हैं, दुनिया में कूट अनेकों हैं, पर चित्रकूट सा कूट नहीं। अनेकों हैं, पर राम नाम सम लूट नहीं। बंधुओं, इस संसार में महत्व किसका है? बोले भगवान शिव की जटाओं के समान संसार में जटा है नहीं। और लूट समाज में, क्योंकि एक बात और है, चित्रकूट में जिस समय भगवान श्री राम पहुंचे तो उस समय वहां के जो आदिवासी थे कोल भील, इनका पहले क्या नियम था, इनकी दिनचर्या कैसे बीतती थी, इधर उधर से चोरी करना, छीना झपटी करना, इस प्रकार अपने उधर का पालन पोषण करते थे। क्योंकि वहां के वासियों ने स्पष्ट कह दिया है, वहां के वासियों ने स्पष्ट कहा है कि नाथ हमार यही शिव काई, लेहना बासन बसन चुराए, लेहना बासन बसन चुराए। हमारे श्री रामचरित मानस में पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि नाथ हमारे यही सेविकाई, देह न बासन बसन चुराई। हमारी सेवा यही है कि अब हम आपके आभूषण वस्त्र इन्हें नहीं चुरा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हम चोरी करते थे तो लोगों ने कहा कि आप तो आप बड़े धर्मात्मा हो गए हो, क्या चोरी करना बंद कर दिया है? तुम लोगों ने चोरी करना बंद किया है तो आप ये जानते हैं कि व्यक्ति की प्रकृति के साथ प्रवृत्ति जाती है, जिसकी जैसी प्रकृति होती है उसकी जैसी प्रवृत्ति होती है। जब मनुष्य का शरीर समाप्त होता है, जीवन का अंत होता है, तो उसकी प्रकृति के साथ उसकी जो प्रवृत्ति होती है वह प्रवृत्ति भी उसके साथ जाती है। कहा कि तुम्हारी तो चोरी करने की प्रवृत्ति है, फिर चोरी करना क्यों छोड़ दिया है, झूठ बोल रहे हो? कहा महाराज चोरी करना नहीं छोड़ा है, लेकिन चोरी करने में अब अंतर हो गया है। क्यों? क्या हमारी धारणा बदल गई है? क्यों कि मतलब पहले हम लूट करते थे, संसार की संपत्ति की लूट करते थे, लेकिन अब हमने संतों के मुखारविंद से सुना है कि दुनिया में फूट अनेकों हैं, पर भाई भाई सम फूट नहीं। दुनिया में जूट अनेकों हैं, पर जटा जूट सम जूट नहीं। दुनिया में कूट अनेकों हैं, पर चित्रकूट सम कूट नहीं। दुनिया में लूट अनेकों हैं, पर राम नाम सम। हमने जब देखा का ऐसी लूट जो राम नाम की लूट है, ये लूट यदि जीवन पर आ जाए तो संसार की लूट मार से अपने को क्या मतलब, संसार की लूट मार तो बंद हो जाएगी। तो अब हम प्रभु का प्रेम लूट रहे हैं, ऐसे आदिवासी वहां के चित्रकूट में वास करने वाले, लेकिन जिनके जीवन की धारा बदल गई, आज उसी चित्रकूट में हम जाते हैं लेकिन हमारे मन की धारा नहीं बदलती, मन के विचार नहीं बदलते, क्योंकि हम अपने आप को देख रहे हैं, अपने कपड़ों को देख रहे हैं, अपने आभूषणों को देख रहे हैं, अपने व्यक्तित्व को देख रहे हैं। क्यों कि जब तक जीव के ऊपर ये वासना रहती है कि मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे कपड़े बहुत सुंदर हैं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, संतों महात्माओं के पास बैठने की क्या आवश्यकता है, सत्संग करने की जरूरत क्या है, मैं तो खुद इतना समझदार हूं। कहा है
कि नर कपड़न ते डरत है नर कपड़न ते नाही ओ नर कपड़न ते ना डरे तो नरक पड़न को नाही। आप समझ रहे होंगे कि नर कपड़ों से डरता है लेकिन नरक पड़न ते नाही, नरक जाने से नहीं डरता है, केवल कपड़े खराब ना हो जाएं। यदि हम चित्रकूट में ऐसी पावन भूमि में जाते हैं और फिर भी हम अपने कपड़ों को डरते हैं, हम डरेंगे तो नरक में तो जाना ही पड़ेगा। यदि हम अपने कपड़ों से ना डरें, अपने कपड़ों से ना डरें तो समझ लो कि मनुष्य का बेड़ा पार हो जाएगा। हम जब भी चित्रकूट जाएं, वहां की एक एक रज एक एक कण अमूल्य है, उसे अपने मस्तक पर धारण करें। साधुओं संतों ने कहा है कि चित्रकूट में यदि यह जीव चला जाता है तो चाहे जहां पहले भ्रमण करता रहे लेकिन यह चित्रकूट नहीं आता है, उसकी तीर्थ यात्रा सफल नहीं होती। क्योंकि यदि उधर तीर्थों के राजा प्रयाग हैं तो इधर के राजा प्रयाग की जगह एक राघव प्रयाग हैं। क्योंकि जिस समय तीर्थों के राजा प्रयाग को सभी लोगों ने बढ़ाई दे दी, आप तो तीर्थों के राजा हैं, तीर्थराज को अहंकार हो गया कि हम तो तीर्थराज हैं, समस्त तीर्थों के राजा हैं। इतने में नारद जी मिले एक दिन, बोले आपको अहंकार हो गया है, क्यों हम तो समस्त तीर्थों के राजा हैं। बोले आप तीर्थों के राजा हैं अपने मन से बने हुए हैं। बोले नहीं, हमें तो सब लोगों ने बनाया है। कहा नारद ने, तो क्या भगवान राम से भी मिले? बोले क्या, क्या हम उनकी मति के अनुसार नहीं है क्या? अरे उन्हें नहीं, उन्होंने ही तो हमें तीर्थों का राजा बनाया है। इस समय तो कहा नारद ने कि जाओ, इस समय चित्रकूट में हैं और जाकर पूछाओ। तीर्थराज प्रयाग आए, प्रभु से पूछा। जब पूछा प्रभु से कि आपने तो हमें समस्त तीर्थों का राजा बना दिया भगवान, श्री राम ने कहा हाँ। बोले क्या हम इस चित्रकूट के राजा नहीं है? तो कहने लगे भगवान राम कि प्रयागराज एक बात याद रखो, हमने तुम्हें समस्त तीर्थों का राजा बनाया है लेकिन अपने घर का राजा नहीं बनाया है। ये चित्रकूट मेरा घर है, चित्रकूट में मैं वास कर रहा हूं, देख रहे हो यहां की मैं कितना आनंदित हूं। जहां बैठे मुनि जन सहित नित सिया राम सुजान। भगवान श्री राम वहां कथा सुनते हैं, हम कथा सुनते हैं, हम और आप भीड़ में चले जाते हैं, कहीं भी बैठते नहीं हैं। तीर्थराज प्रयाग जब ये पापों से कलुषित हो जाते हैं, पापों से भर जाते हैं, तो वो भी चित्रकूट में मंदाकिनी में पापों को धोने के लिए आते हैं, लेकिन चित्रकूट कभी प्रयाग नहीं जाते। क्योंकि आज बिन श्रम विपुल बड़ाई पाई, जितने भी पहाड़ हैं, गिरी कंदराएं हैं, नदियां हैं, ये सब बड़ाई चित्रकूट की कर रही हैं। तो मेरे भगवत प्रेमियों आप याद रखें, क्यों कि दो बेर द्वारका त्रिवेणी जाए तीन बेर, दो बेर द्वारका त्रिवेणी जाए तीन बेर, चार बेर जाए सुत करहु पग धाए से, चार बेर जाए सुत करहु पग धाए से। पांच बेर गया नाथ छह बेर ने मिशार, पांच बेर गया नाथ छह बेर ने मिशार, सात बेर जाए गंग अंग हूं नहाए से, सात बेर जाए गंग अंग हूं नहाए से। जितने फल होत कोट केस स्नान किए, जितने फल होत कोट केस स्नान किए, उतने फल होत श्री चित्रकूट आए से, उतने फल होत श्री चित्रकूट आए से। जितने फल समस्त तीर्थों में वास करने से होता है, आप कई बार अनेक तीर्थों में चले जाएं लेकिन ये चित्रकूट नहीं आते, तो आपका तीर्थ यात्रा करना सफल नहीं होगा। जितने बार
तीर्थों में जाने से फल प्राप्त होता है, उतने फल यदि हम एक बार चित्रकूट जाते हैं तो उतना फल हमें प्राप्त हो जाता है। चित्रकूट में भगवान श्री राम, संतों का मत है कि 12 वर्ष तक रहे। एक दिन की घटना है कि भगवान श्री राम चित्रकूट में बैठे हुए हैं, कहां फटिकशिला, ये देवताओं की नारियां, समस्त देवता आते हैं और प्रभु का दर्शन करते हैं, पुनः चले जाते हैं। देवलोक में बड़ा प्रचार था कि आजकल तो भगवान चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन सब आए, समाचार सुन सुन सब आए, देवताओं ने सुना तो देवताओं ने किसका वेश बनाया, बोले कोल किरात वेश धर आए, कोल किरात वेश धर आए, भक्तों का भगवान के दर्शन करने के लिए अब तांता लगा हुआ है। यहाँ तक के कोल भील आदिवासी का सब वेश बनाया और वहाँ सुंदर त्रणकों की कुटिया सजाकर पुनः प्रभु के दर्शन करके चले गए। तो भगवान श्री राम की प्रशंसा देवताओं के राजा इंद्र के पुत्र जयंत ने सुनी, बोले भगवान आए, भगवान आए, सारे देवलोक में प्रचार हो रहा है, भगवान आए हैं, भगवान आए हैं चित्रकूट में, सोचा मैं भी जाकर देखूं। उस समय फटिक शिला के समीप जयंत आया तो जयंत क्या देखता है, क्योंकि चित्रकूट में बड़ी सुंदर लीला की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने बहुत सुंदर लीला की। यहाँ हमारे बाबा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, क्यों एक बार चुन कुसुम सुहाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि प्रथम लाए सादर, बैठे फटक शिला अति सुंदर, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, जिस समय उस फटिक शिला पे भगवान श्री राम मां जानकी का श्रृंगार कर रहे थे, जयंत ने देखा, बोले कि ये ब्रह्म है, ये तो भगवान हो ही नहीं सकते हैं, जिनकी बड़ी प्रशंसा देवताओं ने की, लेकिन हमें तो दिख रहा है कि यह कोई कामी व्यक्ति है जो अपनी नारी का श्रृंगार अपने हाथों से कर रहा हो। इसी चित्रकूट में यह भी घटना हुई कि देवताओं के पुत्र जयंत, जो ऐसे महान देवता के इंद्र का पुत्र होते हुए भी उसे मोह हो गया और कहा मैं नहीं मान सकता कि यह ब्रह्म है। उसने क्या किया, कौवे का वेश बनाया, कौवे का वेश बनाया जयंत ने, के सुरपति सुत धरबायस बेशा, ओ सठ चाहत रघुपति बल देखा, कौवे का वेश बनाया। हमारे बाबा ने तो लिखा कि कौवे ने चोंच का प्रहार मां सीता के चरणों में किया, तो क्या हुआ, भगवान राम को जब ज्ञात हुआ, बोले सीता चरण चोंच हत भागा, महामंद मति कारण भागा,
कारण दाता। माँ जानकी जी के चरणों में चोंच मार कर भगा। इतने में प्रभु ने सोचा कि यह हमारे प्रभाव को देखने आया है कि हम कौन हैं। तो भगवान श्री राम ने एक सींक का बाण उसके पीछे लगा दिया। यहाँ तक कि देवताओं के राजा इंद्र का पुत्र हर जगह जाता है, हर जगह गया। लेकिन उससे किसी ने यह भी नहीं कहा कि आओ बैठ जाओ, क्योंकि जब ये जीव परमात्मा से विरोध करता है, परमात्मा को परमात्मा नहीं समझता है अपने अहंकार के कारण कि जो हम हैं सो कोई है नहीं, फिर उसकी कोई रक्षा करने वाला मिलता नहीं है, उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। जब अपने माता पिता के, अपने परिवार सगे संबंधियों के पास भी उनकी रक्षा नहीं हो सकती है। जयंत ने अब असली रूप बनाया। क्यों के धर निज रूप गयो पितु पाही, अपना असली रूप बनाया, पिता के पास गया, बोले पिताजी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। बोले क्या बात है, जयंत ने कहा, वो देखिए सिंह का बाण मेरे पीछे लगा हुआ है। बोले कहां से आया, किसका बाण है? बोले चित्रकूट में भगवान श्री राम आए हुए हैं। तो मुझे शंका हो गई कि ये ब्रह्म नहीं हो सकते, तो मैंने उनकी पत्नी के चरणों में चोंच का प्रहार कर दिया। उन्होंने सिंह का बाण मेरे पीछे लगा दिया, जिसकी तपन से, जिसकी आग से मैं जला जा रहा हूं, अगर समीप आ गया तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। हे पिताजी मेरी रक्षा कीजिए, चलो। लेकिन पिताजी ने कह दिया कि चल हट यहां से निकल, जब तू भगवान का दुश्मन है तो तेरी सहायता कोई नहीं कर सकता है, तुझे कोई नहीं बचा सकता है। क्यों काहू न बैठन, काहू बैठन कहा न हो ही, राख को सके राम कर दो ही। इतने में कौन मिले, जब किसी ने बैठने तक के लिए नहीं पूछा तो एक संत मिले, और संत कौन मिले, नारद जी। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मल चित संता। देवर सिंह नारद ने देखा, नारद जी को कहा गया है संत, संत नहीं संता नारद जी को कहा गया है। जरा इस पर भी थोड़ा विचार करें प्रेमियों, रामचरितमानस में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां बाबा की लेखनी ने संत की जगह संता कह दिया। संता का बाबा गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया कि मैंने सबको नहीं कहा संता। रामचरितमानस में केवल चार जगह प्रसंग आया है, एक तो नारद जी महान संत नहीं संता है, और दूसरे अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहीं बहु विधि सब संता। और कौन धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सब सुंदर ये सुभग वे संता। बंधुओं अपने प्रिय श्रोताओं, कन्हैया कैसेट के निर्माता दीपक सेठ का हार्दिक अभिनंदन। प्रेमियों अभी आपने चित्रकूट महिमा का भाग एक सुन रहे हैं। इस कैसेट का शेष भाग
कैसेट नंबर 2 में सुनेंगे, जिसमें माँ मंदाकिनी की उत्पत्ति, हनुमान धारा, लक्ष्मण पहाड़ी, गुप्त गोदावरी और जो भी चित्रकूट प्रांगण में स्थल पड़ते हैं उनका परिचय व महत्व क्या है, इसे आप कैसेट नंबर 2 में कन्हैया कैसेट झांसी के माध्यम से सुनेंगे। तो लीजिए अब आप सुने कैसेट नंबर 2। अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामना, धन्यवाद।